अरे रुक जाओ अम्मा। अरे ये क्या, पंडित रामाकृष्णा जैसे महापुरुष का भी घर में ये हाल है? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? कभी तेरी माँ ने तुझे मारा नहीं है क्या? पंडित रामाकृष्णा की जय हो। वो जय बोल रहा है, अब तो छोड़ दो। बताओ तो क्या सोचना है? पंडित रामाकृष्णा क्षमा चाहता हूँ, किंतु वो दोनों मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। क्या ओझल हो गए? ये भगवान, कहीं प्रजा में से किसी ने उन्हें सत्य बता दिया कि नदी में से हीरे की खदान मिली ही नहीं है, तो क्या होगा? हे, कहां जा सकते हैं दोनों, कहां जा सकते हैं? हाँ, एक स्थान है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अरे आप कहाँ जा रहे? बताया था ना, विशेष अतिथि आए हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। किंतु पानी? वेनु पोंगल, उत्तु, पेसरत्तु, अप्पम, उत्तपम, बड़े, देखा कैसे हम सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल, अभी तक इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि यहाँ की नदी में हीरे की खदान है या नहीं। इसके मुतल्लिक आपके दादा हुजूर कुछ नहीं कहते थे? जहाँपना, इसके मुतल्लिक हमारे मामा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि अगर भीतर जाने का रास्ता दरवाजे से ना मिले तो खिड़की तलाशनी चाहिए। हमारे चाचा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे कि अगर घर के दरवाजे बंद हो तो खिड़कियों से क्या उम्मीद रखे। वाह वाह, बहुत जहीन थे आपके चाचा हुजूर। वैसे कहाँ से तालीम ली थी उन्होंने? बस वहीं से जहाँ से आपके मामा हुजूर ने ली थी। जहाँ बना, वैसे तो वाजिब फरमाते थे वो, लेकिन अभी आप देखिए कैसे उस घर में दाखिल हुआ जाता है जहाँ हर राज पे से पर्दा फाश हो जाएगा। वो देखिए, आइए जापना। जय हो, जय हो। दूर 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 हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। हट जावे हैं। अरे हम ना हुए कोई सरकारी धर्मशाला हो गए जिसे देखो गले पड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सब उस धूर्त पंडित रामाकृष्णा और कपटी बीरबल के कारण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जन्म में हमारे हाथ सीधे होंगे ही नहीं। बस अभी ठीक कर देवे हैं। वैद हो, व्यापारी है, व्यापारी होकर हमारे हाथ कैसे ठीक करोगे तुम? क्यों नहीं, तो यूं ठीक कर देवे हैं हम, ऐसे ठीक होवे हैं, देखते जाइए। चुटकी से हमारा उपचार करोगे? अगर ये स्वर्ण मुद्रा नीचे गिरने से पहले आपने पकड़ ली तो आपकी हो जावे है। हमारी हो जाएगी। फेंको। ये उछली। ये क्या किया तुमने? मारी मुद्रा थी, मैंने रख ली। उपचार के बाद दवाई की तो कोई जरूरत ना होवे है ना? गुरुजी, 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 अपने हाथों को ध्यान से देखिए, आपके हाथ तो ठीक हो गए। गुरुजी, अब आपको वैद्य जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव, यदि आप चार आने भी उछाल देते तो हमारे गुरु जी इतने लालची है कि वैसे ही ठीक हो जाते। ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपके आभारी आभारी हैं। वैसे आप लोग कौन हैं? कहाँ ना, व्यापारी हैं। हमारे कान में एक बात पड़ी है कि विजयनगर दक्षिण का सर्वाधिक संपन्न राज्य बनने वाला है। हाँ, तो हमारे को एक विचार आवे है कि क्यों ना हम हमारा धन भूमि क्रय में यहाँ निवेश करें। बस एक चोखा मानुष मिल जाए जो हमें भूमि दिला दे।
धन की कोई कमी ना होवे है हमारे पास। पंडित रामकृष्ण की युक्ति भले जैसी भी हो, किंतु हम उससे लाभ उठा सकते हैं। धन अर्जित करने का ये सुअवसर चूकना नहीं चाहिए। सत्य कहा आपने। हाँ, आप चिंतित मत हो, हम आपको उचित दाम में उपयुक्त स्थान पर भूमि दिलवा देंगे। आप दिलवाएंगे? देखिए, हमारा भूमि का क्रय विक्रय करने का व्यवसाय है। देखिए महोदय, अभी संध्या हो चुकी है तो अभी नहीं है, कल प्रातः आप यहीं पर आ जाइए, हमसे भेंट कीजिए, हम आपका कार्य करवा देंगे। प्रातः का? हाँ, आवश्यक बात तो हम भूल ही गए। इसके फल स्वरूप हम आपसे मात्र 500 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। खिड़की खुल रही है। खिड़की? कुछ कहा आपने? वो हमारे स्वामी से विचार विमर्श कर रहे थे हम। कीजिए। वो व्यापारी है ना? बहुत धन है इनके पास। घनी दूर से आवे हैं, कल फिर से लौटने में कष्ट हो जावे है ना। यदि आज रात को यहाँ रुकने के लिए किसी अतिथि गृह की व्यवस्था हो जाए तो काम हो जावे। हाँ है, है? अरे हमारे निवास पर ही तो अतिथि गृह है। आपके निवास स्थान पे? हाँ, वहीं रहिए आप। और हाँ, मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में कक्षा आपको मिल जाएगा और भोजन निःशुल्क। ठीक है, हम रात आपके यहाँ गुजार लेंगे ताकि सुकून से सो सके। ये किस भाषा का प्रयोग किया आपने? व्यापारी है ना, नगर नगर भ्रमण करते रहे हैं, इसलिए कोस कोस का पानी, कोस कोस की वाणी, यही भाग्य है हमारा। हाँ, चले। अवश्य आइए हमारे पीछे पीछे। ये सब ठीक है, सब ठीक है। शिव 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 शिव। हे भगवान, आज जल के अभाव में आम्रपाली स्नान नहीं कर पाई तो रसोई में नहीं आ पाई, अब रसोई में नहीं आई तो भोजन नहीं पका पाई, उसने भोजन नहीं पकाया तो आज हमें स्वयं अपने हाथों से ये भोजन पकाना पड़ा। न जाने कैसा बना होगा, ज्ञात नहीं। हमारी लाज रख लेना है। हाँ। क्या सुगंध आ रही है धनी, क्या सुगंध आ रही है, आज तो आनंद आ जाएगा। आनंद तो आएगा ही मनी, आज सुबह ही मैंने अपनी कुंडली को देखा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि आज धनी मनी को अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। यही तो है वो भोजन। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने कुंडली ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ी। अरे उसमें ये भी तो लिखा था कि आज तुम दोनों को भोजन में मात्र और मात्र पिटाई ही ग्रहण होगी। ठहरो तुम। अरे गुरुजी, गुरुजी लगे भागो यहाँ से। किंतु भोजन तो कराइए। अरे दुष्टू, भोजन उन व्यापारियों के लिए है जो हमारे अतिथि हैं। भागो यहाँ से, वो आते ही होंगे। भागेंगे, लगेंगे, भागो। भागो यहाँ से। अरे पधारिए, पधारिए, पधारिए। स्वागत, स्वागत, स्वागत है आप दोनों का। विराजी, गर्मा गर्म भोजन तैयार। सुगंध तो घनी चोखी आवे है। ये आपके लिए है। ये क्या है? हमारे यहाँ परंपरा है, किसी के भी आवास पर अतिथि बनकर जावे हैं तो खाली हाथ न जावे हैं। भेंट आपके लिए खास। अब भेंट तो हम कभी भी स्वीकार कर ले। किंतु ये है क्या? हमारे प्रदेश की प्रसिद्ध ठंडाई, भोजन के पहले आपको पिलाना चाहते हैं।
धन्य हो भाग हमारे जो हम यहाँ पधारे। लाइए लाइए, हमें भी इसका रसा स्वादन कराइए। रसा तो कराइए। क्षमा कीजिए, ये हमारा इनके प्रति प्यार है। क्या है कि ये दोनों हमारे मुंह लगे सेवक, तभी दोनों ठंडाई को मुंह लगाना चाहे हैं। लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए आनंद लीजिए। आह पसंद आया? उत्तम। आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है। इधर भी डाल दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा ही डाल दीजिए। महोदय क्या चमत्कार है आपकी इस ठंडाई में, इसे पीते ही हमारी गुरुजी की तो भाव भंगिमाएं परिवर्तित हो गई है। इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा, वरना तथाचार्य जी से सत्य नहीं उगलवा पाएंगे। क्या है? क्या हुआ? आप दोनों इनके सेवक हो, इनके बारे में ऐसा कहते हुए शर्म ना आवे है। क्या कह दिया ऐसा? क्या कहा इन दोनों ने हमारे विषय में? ना ना ना, रहने दीजिए, हम कह ना पाएंगे। नहीं नहीं, आप कहिए। ना ना, रहने दीजिए, आप सुन नहीं पाएंगे। हम नहीं सुन पाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे, फिर भी आप कहिए। आप इतना कह रहे हैं तो कान यहाँ लाइए। इनका इतना तो साहस, छोड़ेंगे नहीं हमें। अरे मूर्ख को, हमारे विषय में ऐसा कहते हो, अभी बताते हैं। भाग जाओ यहाँ से। शांत शांत तथाचार्य जी, शांत। ये लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। ये थोड़ी और हो जाए, उसके पश्चात हम भोजन का आनंद लेंगे। अवश्य अवश्य, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हृदय आनंदित होकर पक्षी की भांति उड़ना चाहता है। उड़िए उड़िए। अरे क्या आनंद आनंद आ गया। इसी बात पर हम आप दोनों का चुंबन लेना चाहते हैं। अरे खड़े होकर चुंबन देने की क्या आवश्यकता है, बैठे बैठे भी दे सकते। चलिए कोई बात नहीं, हम खड़े होकर चुंबन ले लेते हैं। आप वहीं से दे दीजिए, हम यहीं से ले लेंगे। तो यहीं से दे देते हैं और यहीं से ले लीजिए। गणी खम्मा। बीरबल जी, शरबत में नशे की दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी है आपने। जहां पना, लेकिन सच उगलवाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लीजिए आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। अब कारोबार की बात कर लें। है? किसकी? व्यापार की। नहीं, पहले आप हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछिए। आपको ये सूचना कहां से प्राप्त हुई कि विजयनगर जो है वो दक्षिण का सबसे
संपन्न राज्य बनने वाला है, ये तो आपको बताना ही होगा। है ईश्वर, प्रतीत होता है इस बीरबल ने गुरुवर को कोई मादक द्रव्य पिला दिया है। अरे कहीं ये सत्य ना कह दे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्षमा करना गुरुवर, किंतु मुझे आपको मूर्छित करना पड़ेगा। हमको पता चला है कि थारे यहाँ कृष्णा नदी में हीरे की खदान मिली से। हमारा सोचना सही था कि हीरो की खदान के विषय में पता चलने के पश्चात ही आप दोनों यहाँ पर धन निवेश करने के लिए आए। जी जी, लेकिन क्या ये सत्य है कि नदी में हीरो की खदान है? सत्य सत्य है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? के हमसे अधिक और कोई नहीं जानता। के है सत्य? सत्य ये है कि ये जो के है, रोज अब आपका मूर्छित होना तय है। बताया नहीं हमने सत्य? हम बता देते हैं। सत्य ये है कि जो वो खदान है वो के है। अरे सत्य ये है कि ये के है। अरे छोड़ो सत्य। जीन सी। अरे क्या बेटी की सत्य क्या ये है कि चोर 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 तथा जा रहे जी, हम अभी चोर को देख कर आवे हैं। हम थारे साथ आते हैं जी। पुरुवर सत्य ये है कि कृष्णा नदी में कोई हीरे की खान है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे पंडित रामा कृष्णा, आप यहाँ? मैं यहाँ और आप लुटिया डुबो के मानेंगे। ये लीजिए लीजिए पीजिए। अरे पंडित रामाकृष्ण यहाँ, कहीं ये हमें पहचान न ले। हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण ने अपने मित्र बीरबल को चकमा तो दे दिया, किंतु बीरबल भी कहाँ मानने वाले थे। महाराज अकबर के साथ व्यापारी का भेष धरकर पहुँच गए गुरुवर के निवास पर। अब देखना ये है कि क्या हीरो की खदान का सत्य हमारे मित्र के मित्र बीरबल राजगुरु से उगलवा लेंगे, या हमारे मित्र पुनः ये बाजी पलट देंगे। भूमि में निवेश करने की इच्छा होवे है हमें। तथाचार्य जी हमारी सहायता कर रहे थे, धन की कोई कमी ना है हमारे पास। आइए आइए इधर आइए। देखिए यदि धन की कमी नहीं है तो आपको तो अपना धन वहाँ निवेश करना चाहिए ना, जहाँ आपको दुगुना नहीं चौगुना लाभ मिले। हमारा मतलब क्या सर? मतलब ये है यदि भूमि के मूल्य में हीरे प्राप्त हो जाए तो। हीरे? किंतु कहाँ है हीरे? यहाँ विजयनगर में कृष्णा नदी में हीरे की खदानें मिली हैं। हीरे ही हीरे हैं, असंख्य हीरे, अनगिनत हीरे, चारों तरफ हीरे ही हीरे। देखिए आपके पास धन की कमी नहीं है और विजयनगर में हीरों की कमी नहीं है। अरे आप कहें तो मैं हीरों का सौदा करवा देता हूँ। 10-15 हीरे यूं ही दिलवा दूंगा, मेरी ओर से भेंट समझ कर रख लीजिएगा। घनी खम्मा घनी खम्मा। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। घनी खम्मा।
पंडित रामाकृष्णा, आप यदि खेल खेल सकते हैं तो हम भी आपका खेल बखूबी समझ सकते हैं। आप हमें पहचान गए हैं, इसी वजह से आप बातों का ये जाल बुन रहे हैं, लेकिन आपके जाल में जो फंस जाए वो बीरबल नहीं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? महाराजा अकबर और बीरबल राजगुरु जी के स्थान पे? जी महारानी, यही सत्य है। और क्या ये भी सत्य है कि राजगुरु जी के माध्यम से महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष हीरे की खदान वाला सत्य उजागर किया जा सकता है? जी महारानी, किंतु गुरुवर प्रातः काल से पूर्व जागने वाले नहीं है, अतः आप उन्हें सर्वप्रथम प्रातः काल में यहाँ बुलवाकर ये निर्देश दे दीजिए कि वो इस विषय में कोई बात ना करें। उन्हें तो हम समझा देंगे, किंतु आप तो ये भली भांति जानते हैं, यदि आपके कारण विजयनगर कोई भी संकट में आया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। महारानी, विजयनगर पर कोई संकट नहीं आएगा, कृपया आप विश्वास रखें। किंतु क्या सोचा है आपने? सोचा तो नहीं है, किंतु सोच रहा हूं कि बीरबल अगली कौन सी चाल चलने की सोच रहा होगा, क्योंकि जैसी उसकी चाल होगी वैसी ही मेरी ढाल होगी। क्या युक्ति लगाई जाए जिससे जहांपनाह की नजरों में हम ये साबित कर दें कि हमने जो भी कहा वो सत्य है, हीरे की खदान नहीं है? बीरबल, आपने हमारी दो बातें न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी दो बातें जहांपनाह? एक ये कि जब हमने कहा कि यहाँ हीरो की खदान है, और दूसरी यहाँ बहुत गर्मी होगी, पंखा चलने वाले को साथ लेके चलते हैं। अब ऐसे क्या खड़े हैं, आइए आइए हमको पंखा दे लिए। अरे आइए आइए। जहां बना गुस्ताखी माफ हो जहां बना, लेकिन आपने भी हमारी दो बातें नहीं मानी। एक ये कि विजयनगर में हीरो की खदान है ही नहीं, और दूसरा ये कि आपको मुझसे तो क्या, खुद भी पंखा नहीं जलना चाहिए। अच्छा, अब इसकी वजह भी आप ही बता दीजिए। हमने ये सुना है कि विजयनगर की हवा इतनी तिलिस्मा है कि जिसे भी लग जाए वो यहाँ रुक जाता है। अगर आप भी यहाँ के होकर रह गए तो दिल्ली के तख्तो ताज का क्या होगा जहां पना? वाह बीरबल जी वाह, आप सच में लाखों में एक हैं। जहां पना सदके जाए आपकी अक्ल पे। बादशाह का बड़प्पन है। अच्छा, अब ये बताइए, अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल करके आप हीरों के राज पे से पर्दाफाश करने में चूक कैसे गए? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं जहांपनाह। आपके कहने का मतलब है कि हीरों के खदान की असलियत का पता करने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि फिर से आप तथा चार्य को वो नशीली ठंडाई पिलाकर सच उगलवा सके। नहीं नहीं जहांपनाह, अब ये तरकीब काम नहीं आएगी। पंडित रामाकृष्ण को ये पता चल चुका है कि हमने तथाचार्य जी को नशीली ठंडाई पिलाकर सत्य उगलवाने की कोशिश की है। तो फिर जहांपनाह, कुछ ऐसा करना होगा जिसे वो भी ना समझ पाए, कोई ऐसी तरकीब जिससे वो भी सकते में आ जाए। लेकिन क्या होगी वो तरकीब? जहांपनाह, मिल गई तरकीब मिल गई। ऐसी तरकीब मिली है कि पंडित रामाकृष्ण भी बेबस हो जाएंगे। आप चैन की नींद सो जाइए, अब हीरो की खदान का सत्य सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं पंडित रामाकृष्ण भी नहीं। पंडित रामाकृष्ण जी, विजयनगर की प्रजा से जो हमें बातें सुनने में आई हैं, क्या वो सत्य हैं? तो यहां है महाराजा अकबर और बीरबल। बताइए ये क्या नाटक चल रहा है?
और हमें इस विषय में जानकारी क्यों नहीं है? कहीं ये हीरे की खदान का सत्य बोल के सब गुड़ गोबर ना कर दें। दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है। कौन हो तुम? मैं वो असहाय व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता। ये देखिए, ये ताम्रपत्र। ताम्रपत्र? कैसा ताम्रपत्र? ये ताम्रपत्र इस बात का साक्ष्य कि कृष्णा नदी का एक एक हिस्सा मेरे पुरखों का, जिसे स्वयं महाराज कृष्ण देवराय जी के पुरखों ने हमें दान स्वरूप सौंपा था। शांत शांत हो जाओ, हम हैं ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लाओ ये ताम्रपत्र हमें दिखाओ। महारानी, इस ताम्रपत्र पर महाराज श्री कृष्णदेव राय के पूर्वजों की मोहर लगी है। मैंने सुना महाराजा अकबर के दरबार में पंडित रामाकृष्ण ने कहा कि उन्हें कृष्णा नदी में एक हीरे की खदान मिली है। क्या ये सत्य है? और पंडित रामाकृष्ण ने विजयनगर की ओर से महाराजा अकबर को हीरे जड़ित विशाल मूर्ति बनाने हेतु हीरे भेंट करने वाले हैं, क्या ये भी सत्य है? और यदि ये सत्य है तो ये उसी नदी का हिस्सा है जहां हीरे की खदान मिली थी। अतः हीरे की खदान पर मेरा अधिकार। अब या तो नदी में से निकला एक एक हीरा मुझे सौंप दिया जाए, नहीं तो फिर नदी का वो हिस्सा जो मुझे दान में दिया था उसे वापस ले लिया जाए। परंतु विजयनगर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दान की भी वस्तु वापस ली गई। किंतु आपको दो में से एक का चुनाव करना। अब तो बुरे फंस गए पंडित रामाकृष्णा। अब या तो ये कहना पड़ेगा कि हीरे की खदान नहीं मिली है, और यदि ये कहा कि हीरे की खदान मिली है तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए पूरा राजकोष खाली करना पड़ेगा। अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नदी में हीरे की खदान नहीं निकली है। ए बंधु! रामा, महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष ये कैसे कहेगा कि हीरे की खदान वाली बात असत्य थी? और तो और, इस मनुष्य के समक्ष ये भी नहीं कह सकता कि हीरे की खदान मिली है। अब क्या करेगा रामा? क्या ये भेद खुल जाएगा? कुछ सोच रामा, कुछ सोच। पंडित रामाकृष्ण जी, ये बात जो अभी हमें ज्ञात हुई है, क्या ये सत्य है? मामात्य को हीरे की खदान वाली बात ज्ञात हो गई है। अब यदि इन्होंने सत्य दरबार में कह दिया तो महाराजा अकबर और बीरबल के समक्ष सारा भेद खुल जाएगा। मौन क्यों धारण कर रखा है आपने? क्या ये बात सत्य है कि आपने? महामात्य जी, आप कृपया शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। महामात्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपने जो किया है यदि वो सत्य है तो... महामात्य जी, आप शांत हो जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु इन्होंने जो किया है कही, हम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? महारानी, हम कुछ देर पश्चात फिर उपस्थित होते हैं, फिर बात करते हैं। अरे ये पेट पकड़कर कहाँ चल दिए? वही गए होंगे और कहाँ जाएंगे। वाह बीरबल, वाह, आपकी चाल तो कामयाब होती नजर आ रही है। पंडित रामाकृष्णा तुम बुरे फंस गए। मजा फरमाया जहां पना अपने, अभी तो सांप और छछुंदर वाला हाल हो गया है उनका। ना उगलते बने ना निगलते बने, अब तो उनको कबूल करना ही होगा।
कि ना ही हीरे है ना हीरो की खदान। बस यहाँ इन्होंने सच कबूल किया, वहां विजयनगर हमारा हुआ। महारानी, महामात्य अकस्मात ही दरबार छोड़कर चले गए हैं। जब तक वो नहीं आते, यदि आप कहें तो सभा को स्थगित कर दिया जाए। नहीं राजगुरु जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी महारानी। सत्य कथन है महारानी, सत्य कथन है। विजयनगर का इतिहास रहा है कि दान दिया हुआ धन, भूमि और वस्तु कभी वापस नहीं लिए गए। अतः नदी के उस हिस्से पर जहाँ से हीरे की खदान मिली है, इस मनुष्य का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि नीति और न्याय के अंतर्गत भूमि से निकली हुई हर वस्तु पर केवल इसी का अधिकार होगा। अतः मैं इस मनुष्य को इसका पूर्ण अधिकार सौंपने की अनुमति चाहता हूँ महारानी। अब ये क्या नई तिकड़म भिड़ाई है पंडित रामकृष्ण ने? आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी? वही जो नीतिगत है महारानी, क्योंकि हम इस मनुष्य के ऋणी हैं। कृष्णा नदी के उस हिस्से से जहाँ से हमें हीरे की खदान मिली है, उनमें से कुछ हीरों का विक्रय करके ही हमने विजयनगर के लिए जल का प्रबंध करवाया है। अतः उन हीरों के मूल्य के समान धन विजयनगर के राजकोष से इस मनुष्य को कुछ समय में यही प्रदान करना चाहिए महारानी। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा? वही जो सत्य है गुरुवर। आप मुझे कृपया एक पहर का समय दीजिए। व्यय किए हुए हीरों के मूल्य के साथ साथ मैं बाकी समस्त हीरे स्वयं आपको यहीं सौंपूंगा। ये पंडित रामकृष्णा संपूर्ण राजकोष को रिक्त करवा के ही मानेंगे। राज दरबार की कार्यवाही अगले पहर पुनः प्रारंभ होगी, तभी तक के लिए दरबार स्थगित की जाती है। बीरबल जी, आप तो कह रहे थे कि सांप और छछंदर वाला हाल है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। जहाँ बना वो पंडित रामकृष्ण है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और हम भी उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। देखते हैं अगले प्रहर में वो कैसे गुत्थी उलझाते हैं और हम उन्हें कैसे सुलझाते हैं। राजकोष रिक्त हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? भिक्षा मांगनी पड़ेगी, वो सब आपके कारण। महारानी जी, मैंने तो वही किया जो समय की मांग थी। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि समय की मांग ये थी कि राजकोष रिक्त हो जाए और हम भिक्षा मांगने के लिए विवश हो जाए? कहां से आएंगे हीरे? कैसे देंगे आप उस मनुष्य का हीरे? राजकोष से ही ना, और जितने हीरे देने की बात आपने की है उससे तो संपूर्ण राजकोष रिक्त हो जाएगा पंडित रामकृष्ण जी। महारानी जी, आत्मछिद्रम न प्रकाशित, अर्थात किसी भी स्थिति में शत्रु को अपनी दुर्बलता का पता नहीं चलने देना चाहिए। तो ऐसे में जब राज दरबार में महाराजा अकबर और बीरबल दोनों उपस्थित थे, मैं उनके समक्ष कैसे ये स्वीकार कर लेता कि कृष्णा नदी में हीरो की खदान मिलने वाली बात असत्य है? क्या इसका अर्थ ये है कि ना तो हीरे प्राप्त हुए हैं और ना हीरे की खदान? पंडित रामकृष्णा, आपने फिर सबसे असत्य क्यों कहा? क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा था महामात्य। स्मरण रहे, छिद्र प्रहरी नाश त्रवाह, अर्थात शत्रु आपकी निर्बलता पर ही सर्वप्रथम आक्रमण करता है। और इसीलिए मैंने महाराजा अकबर और बीरबल से ये कहा कि कृष्णा नदी में हीरो की खदान मिलने के कारण विजयनगर जल संकट से उबर गया है, और यही सत्य ज्ञात करने के लिए वो दोनों भेष बदलकर विजयनगर आए। किंतु वो मनुष्य जो उस नदी पर अपना अधिकार बता रहा है, निसंदेह उसे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने ही कहा होगा ताकि सत्य उजागर हो सके। इसका अर्थ ये है कि यदि हमने हीरे दिए तो राजकोष रिक्त हो जाएगा, और यदि हीरे नहीं दिए तो
तो महाराज अकबर के क्रोध का सामना संपूर्ण विजयनगर को करना होगा। जिसका परिणाम होगा युद्ध। आपने क्या कर दिया पंडित रामाकृष्ण? आपने संपूर्ण विजयनगर को संकट में डाल दिया। कहां से लाएंगे आप हीरे, बताइए? इनका तो कार्य ही है सदैव राज्य को संकट में डालना। किंतु आप चिंतित मत हो महारानी, इस संकट से निपटने का हल हमारे पास है। कैसा हल? यही हल महारानी कि हमें महाराजा अकबर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? इसका परिणाम ज्ञात है आपको? परिणाम की चिंता केवल आप कीजिए पंडित रामाकृष्ण। महारानी भूल इन्होंने की है, महाराजा अकबर से असत्य इन्होंने कहा है, युक्ति इन्होंने लगाई है, तो महाराजा अकबर दंड केवल इन्हें ही देंगे। आज आप अवश्य अपनी बुद्धि अपने घर पर भूल कर आए हैं। आप ये भूल रहे हैं गुरुवर कि महाराजा अकबर के दरबार में मैं मात्र पंडित रामाकृष्ण बनकर नहीं, अभी तो महारानी का दूत बनकर गया था। उन्हें ये भली भांति ज्ञात है कि उस दरबार में मैंने जो कुछ भी कहा उसमें महारानी की सहमति सम्मिलित थी। शिव 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 शिव। देखा देखा महारानी, देखा आपने? देखा, इन्होंने आपको भी फंसा दिया। नहीं नहीं महारानी जी, मैं केवल विजयनगर को इस संकट से उबारना चाहता हूँ, और आपसे मात्र इतना निवेदन है कि जब इतना विश्वास मुझ पर किया है तो थोड़ा सा विश्वास और कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, विजयनगर पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल महोदय ने ऐसी चाल चली कि बुरे फंसे हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण। अब राज दरबार में महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष ये भी नहीं कह सकते कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें प्राप्त नहीं हुई हैं। और यदि हाँ कहते हैं तो बीरबल द्वारा दरबार में लाए गए मनुष्य को हीरे देने पड़ेंगे। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, हमारे मित्र की तो शामत आई। अब हम यानी महाराज कृष्णदेव राय उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि इस समस्या से पंडित रामाकृष्ण निकल पाते हैं या नहीं। पंडित रामाकृष्ण जी अभी तक नहीं आए हैं, हम आप सबको सत्य कहते हैं। सत्य ये है कि मैं आ गया हूं महारानी, मैं आ गया हूं। क्षमा करें, आने में तनिक विलंब हो गया। ये पंडित रामा क्या खींचे चले आ रहे हैं? प्रणाम महारानी। आप कहाँ रह गए थे पंडित रामाकृष्ण जी? वो मैं नदी में जहाँ गुप्त खदान मिली है ना, वहाँ गया था। खदान को खनन करके जितने भी हीरे प्राप्त हुए उन समस्त हीरों को इन मटकों में और पोटलियों में भर के यहाँ ले आया हूँ ताकि इन्हें इनकी धरोहर प्राप्त हो सके। इतने हीरे चमचमाते हीरे देख रहे हैं आप? इस पर क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि नदी से हीरे निकल ही नहीं रहे? जापना, हम तो यही कहेंगे कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। मतलब ये जापना, अगर हीरे निकल रहे हैं तो
तो भी हमारी जीत है, नहीं निकल रहे हैं तो भी हमारी जीत है, क्योंकि हीरे तो मिलेंगे हमारे ही आदमी को ना। वाह बीरबल वाह, सही कहा आपने। अब तो चित भी अपनी और पट भी अपनी, हीरे तो हमने हासिल कर लिए। अब वो दिन भी दूर नहीं जब विजयनगर मुगलिया सल्तनत की जागीर होगा। पंडित रामाकृष्णा, यदि ये हीरे गए ना तो आपके प्राण भी गए। महारानी की जय हो। पंडित रामाकृष्णा की जय हो। आपके निर्देशानुसार कृष्णा नदी से निकाले गए समस्त सर्पों को पकड़ लिया गया है। उनमें से कुछ सर्प तो इतने विषैले हैं कि उनकी फुफकार मात्र से हमारे कई सैनिक मूर्छित हो चुके हैं। और ये देखिए, गुरुवर गुरुवर, आप सर्प से इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये तो आपके शिव जी के गले की शोभा है ना, और आप ठहरे शिव भक्त। हम शिव के भक्त हैं, ये हमें पता है, शिव जी को पता है, इन सर्पों को तो नहीं पता है। ये बताओ और क्या क्या मिला कृष्णा नदी में? और कृष्णा नदी में जितने भी मगरमच्छ और घड़ियाल थे सब जल बिना व्याकुल हो रहे थे, उनको भी वहाँ भिजवा दिया गया है जहाँ आपने कहा था। कहाँ भिजवा दिए गए? वही महारानी जहाँ उन्हें होना चाहिए था, अर्थात अर्थात गोविंद के निवास स्थान पर। क्या क्या कहा? अरे ऐसे अवाक मत होइए, मैंने आपके निवास स्थान का पता लगा लिया है। देखिए आप ही ने कहा था ना कि कृष्णा नदी पर आपका अधिकार है, तो उसमें से जो भी निकले वो आपका है। तो देखिए हीरों की खदान में से जितने भी हीरे थे वो मैंने आपको सौंप दिए, किंतु कृष्णा नदी के तल में जितने भी जीव जंतुएं मिले हैं उस पर भी तो आपका उतना ही अधिकार हुआ ना। तो आपके निवास स्थान पर सर्प बिच्छू मगरमच्छ और घड़ियाल भेज दिए। ये तो बहुत गहरी चाल चल दी पंडित रामकृष्ण ने। मेरे निवास पे मेरा माता पिता पत्नी और बच्चा जी। हाँ तो अच्छा है ना, अब वो सब इन जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहेंगे। देखिए अब आप नहीं कह सकते कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। हाँ गोविंद भाई, आप शीघ्र ही अपने निवास स्थान पे जाइए, क्योंकि आपके परिवार वालों ने सर्प और मगरमच्छ के भय से स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। किंतु सर्प और मगरमच्छ अगर कक्ष तक पहुँच गए तो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले आप अपने हीरे लीजिए, राजकीय बही खाते पे हस्ताक्षर कीजिए, तत्पश्चात ही आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई हीरे नहीं चाहिए। अरे हीरे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। कहा ना मुझे कोई हीरे नहीं चाहिए। गोविंद हीरे ले लो भाया, मगरमच्छ से तो निपटा जाएगा। क्या बात करता जी, मेरे लिए मेरा हीरा मेरा परिवार जी, ये कांच का टुकड़ा नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित रामकृष्ण जी, मैंने असत्य कहा था, ये ताम्र पत्र झूठा। मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार संकट में जी। गोविंद मेरे होते हुए विजयनगर का कोई भी परिवार संकट में कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने तुम्हारे मुख से सत्य जानने के लिए कहा था। हमारा परिवार सुरक्षित है और कृष्णा नदी के तल में ना ही कोई सर्प मिला है ना ही मगरमच्छ। जाओ अपने परिवार के पास। माफ कर दीजिए। रोको उसे, उसने अपराध किया है, वो दंड का भागीदार है। नहीं महामाती जी, ये अवश्य ही किसी के बरगलाने में आ गया था। मैंने पता किया है, ये नेक मनुष्य है, अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे जाने दे। पता तो ये लगाना है कि इसे बरगलाया किसने था। बरगलाया होगा, किसने बरगलाया होगा, कौन हो सकता है? आप पंडित रामकृष्ण, हम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं आप। ओ गुरुवर पूरा तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शांत रहिए, मैं पता लगाता हूँ।
आप कृपया जाइए। अब बताओगे भी कौन है वो लोग? वो लोग हैं भगने वाले थे। चुप। ये हैं वो लोग। ये कौन लोग हैं रामा जी? जहां पनाह की जय हो। दिल्ली के महाराजा धीराज, जहां पना अकबर और उनके नवरत्नों में से एक रत्न बीरबल का विजयनगर के राज दरबार में हार्दिक स्वागत है। शिव 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 शिव। ये तो जी गुरुवर कि महाराजा अकबर ही हैं जो आपके निवास स्थान पर आपके अतिथि बनकर आपका आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे। महाराज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, विजयनगर की महारानी होने के नाते हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन भी। किंतु एक प्रश्न के उत्तर की भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से आपको हमारे राज्य में ऐसे भेष बदल कर आना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं महारानी। वो क्या है कि एक कुशल राजा वही होता है जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, अपितु स्वयं परीक्षण और निरीक्षण करता है, जैसा कि महाराजा अकबर ने करने का विचार किया और विजयनगर आ गए। किंतु किस बात का निरीक्षण? यही महारानी कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें मिली भी हैं अथवा नहीं। क्यों बीरबल, मैंने सही कहा ना? और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सभी को पता है कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें मिली हैं। हाँ हाँ, ये
तो हमारा सौभाग्य है कि आपने कृष्णा नदी की ओर बहने वाला जल बांध बनाकर रोक दिया। तभी तो हमें हीरो की खदानों के बारे में पता चला। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस बांध को कभी मत खोलिएगा। महारानी, पंडित रामकृष्ण ने अभी अभी एक श्लोक कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब तक हम भी प्रत्यक्ष रूप से हीरो की खदान न देख लेते तब तक कैसे यकीन कर ले। सिर्फ इसी कारण से हमें यहां भेष बदल कर आना पड़ा। हाँ, क्योंकि अपनी रियासत की तकलीफें जानने के लिए रात में यूं भेष बदल कर घूमना हमारी फितरत है। महाराज, आप विजयनगर के आतिथ्य को स्वीकार करें। आपके सम्मान में आज रात से भोज का आयोजन किया जाएगा। तब तक आप विजयनगर के अतिथि गृह में विश्राम करें। महारानी, महाराजा अकबर और बीरबल के आतिथ्य का मैं स्वयं प्रबंध करता हूं। आइए जहां पर। अद्भुत पंडित रामकृष्ण जी, अद्भुत। ऊपर हीरे, नीचे पत्थर। वाह पंडित रामकृष्ण, ये तो हमें आपके बारे में कहना चाहिए था। बाहर से हीरे और भीतर से पत्थर। अर्थात सीखे पंडित रामकृष्णा जी से कुछ, जो बाहर से भी हीरे हैं और भीतर से भी हीरे। और आप पंडित रामकृष्णा जी के साथ तुलना करने चले, आप तो उनके सामने ऐसे हैं जैसे कि सूरज के सामने दिया दिखाना। सूरज के सामने हमारी रोशनी दिए जैसी आंखें जा रही है। उस सूरज को बुझा देंगे हम सदैव के लिए। जहां बना, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, लेकिन आप तो तैयार खड़े। इत्र भी लगाया हुआ है। वाह, एक बात बताइए हमको बीरबल जी, हम यहाँ दावत खाने आए हैं? जहाँ पना, लेकिन महारानी की दावत ठुकरा भी तो नहीं सकते। हमारे दादा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि प्रेम भाव से जो बुलाए उसकी दावत कभी ना ठुकराए। हमारे नाना हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे कि जिसका नमक खाते हैं उससे यलगार नहीं करते। लेकिन जहाँ पना, हम यहाँ किसी से यलगार करने नहीं आए हैं, और महारानी ने कितनी मोहब्बत और अपनेपन से हमारा इस्तकबाल किया है। हमें आप एक बात बताइए बीरबल जी। जी जहाँपन, आप हमारी तरफ हैं या उनकी तरफ? बेशक आपकी तरफ हैं हुजूर। सामने आइए जहाँपना। जहाँपना, आज ये बात साबित हो चुकी है कि यहाँ हीरो की खदान है, लेकिन आप माफी। जहाँ पना, अभी तक साबित नहीं हुआ है। आप मान लीजिए ये पंडित रामकृष्ण की चाल ही है। ठीक है, आपके पास कल तक का वक्त है, साबित करके बताइए कि यहाँ हीरो की खदान नहीं। लेकिन याद रहे, अगर ये साबित होता है कि यहाँ पे हीरो की खदान नहीं है और विजयनगर ने हमारे साथ फरेब किया है, तो विजयनगर की सरहद पर तैनात हमारी फौज विजयनगर में कूच कर जाएगी। पंडित रामकृष्ण ये किस मुश्किल में फंसा दिया आपने। अब अगर हम ये साबित कर देते हैं कि हीरे की खदान नहीं है तो युद्ध छिड़ जाएगा, और अगर ये साबित नहीं करते हैं तो जहां पना के साथ ये धोखा होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई हीरे की खदान नहीं है। अब करें तो क्या करें? क्या हुआ बीरबल जी,
किस सोच में डूब गए आप? हमारे चाचा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि अगर इंसान सोच में डूब जाता है तो उसके फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जहीन थे आपके चाचा हुजूर। वैसे हमारे मामा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे, बिना सोच समझ ना कर कोई काम, पछताना पड़ जाता है, बुरा हो तंजाम। आप कहना क्या चाहते हैं? मान लीजिए कि विजयनगर में हीरो की खदान है, फिर तो जहां पना, हमें ये भी मानकर चलना होगा कि विजयनगर बहुत ताकतवर हो गया है, हथियार और फौज की कोई कमी नहीं है विजयनगर के पास। ऐसे में उन पर धावा बोल देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीरबल जी, अगर कल तक इस खदान का सच बाहर नहीं आया तो यकीन मानिए, आपके मामा हुजूर चाहे कुछ भी बोलते रहे हो, हम धावा बोल देंगे। बहुत खूब पंडित रामाकृष्ण, बहुत खूब। देखा आपने किस प्रकार अपने मित्र बीरबल की युक्ति को विफल कर दिया और महाराज अकबर और बीरबल को भरे दरबार में सबके समक्ष अपना सत्य बताना पड़ा। परंतु पंडित रामाकृष्ण की समस्या यहाँ हल नहीं होती है। बीरबल तो हीरो की खदान का सत्य पता करके रहेंगे और यदि सत्य पता चल गया तो महाराज अकबर को विजयनगर पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करेंगे बीरबल और कैसे बचाएंगे पंडित रामाकृष्ण विजयनगर को? उचित अवसर है। अभी महाराजा अकबर के समक्ष ये कह देता हूँ कि कोई हीरो की खदान नहीं निकली है, ये सब असत्य है। तत्पश्चात पंडित रामाकृष्णा को मृत्यु दंड मिलेगा, महारानी को बंदी बना लिया जाएगा। महाराजा अकबर का हाथ हमारे कंधे पर होगा और हम विजयनगर की राजगद्दी पर। तो आरंभ करें। महाराजा अकबर की जय हो। ये यहाँ क्यों आ गया? इसका तो पेट गड़बड़ था, कहीं ये सब गड़बड़ ना कर दे। महाराजा अकबर, हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक विषय में बात करना चाहते हैं। महाराजा अकबर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि लगता है ये सारा भांडा फोड़ के ही मानेगा। क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर पश्चात आते हैं। पंडित रामाकृष्णा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी ऐसी आवश्यक बात हमसे कहने वाले थे और अचानक कहाँ चले गए? इन्हें शराब लगी रहती है क्या? भागने की जल्दी। उनका स्वास्थ्य तनिक ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति जीर्ण हो गई है, सदैव भूलते रहते हैं क्या कहना है क्या नहीं। अब उन्हें छोड़िए, भोजन आरंभ करते हैं। क्यों नहीं। वैसे मुझे ज्ञात है जहाँ पना के आप क्या विचार कर रहे हैं। आप यही विचार कर रहे हैं ना कि कृष्णा नदी में हीरों की खदान निकली भी है या नहीं निकली है? यदि निकली है तो आपकी योजना पर तो पानी फिर गया, और यदि नहीं निकली है तो आपसे असत्य कहा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे यदि हम आपके स्थान पर होते तो इतना सोच विचार नहीं करते, हम तो सीधा आक्रमण ही कर देते और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। जिनके पास इतनी विशाल फौज हो, उन्हें सोचने विचारने की क्या आवश्यकता, सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। जी लीजिए दूध।
दूध 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 शारदा महोदया, जब किसी मनुष्य को प्यास लगती है ना तो उसे दूध नहीं जल पिलाना चाहिए। चुप कर, जल पिलाना चाहिए, जल होगा तो पिलाएगी ना बिचारी। तूने तो कहा था कि जल आएगा, कहाँ है जल? शांति रखो अम्मा, शांति रखो, कल तक कृष्णा नदी में जल भी आ जाएगा। दादी शारदा अम्मा बचाओ, वो तुझे हमसे बचाने वाले का जन्म नहीं हुआ है। क्या है? उसे बचाने वाली का जन्म 70 साल पहले ही हो गया था। खबरदार जो मेरे पोते को हाथ भी लगाया तो। पोता? शारदा देवी अपने पुत्र को पोता कह रही है। इतनी बार कहा है कि शब्द हमारे हैं किंतु विचार अम्मा के हैं। अच्छा, अरे अम्मा ये नमाली, अरे 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 बस बस अम्मा बस बस बस, आज के लिए इतना पर्याप्त है। हाँ जा जा। पंडित रामाकृष्णा, जल जो है वो नाक तक भर आया है। क्या बात कर रहे गुरुवर, जल आ गया? अरे जल क्या, यहाँ तो बांध तक टूट चुका है। बांध टूट गया? किंतु बांध का जल तो खोलने के लिए कहा था ना महाराज अकबर ने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कृष्णा नदी में जल आ गया। अरे हम उस जल और बांध की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपका जो कुपुत्र है भास्कर उदंड, उसकी उदंडता समाप्त नहीं हो रही है, हमसे सहन नहीं हो रही है, हमारी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। वो तो ऐसा कहिए ना, वो छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनिए पंडित रामाकृष्णा, यदि आपके कुपुत्र भास्कर ने हमारी पुत्री आम्रपाली क्या हुआ? महाज्ञानी शूरवीर पंडित तथाचार्य की जय जयकार हो रही है। क्या कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्णा आप? तथाचार्य की जय जयकार हो रही है? कहाँ हो रही है, हमने तो जय जयकार नहीं सुनी। कान लगाकर ध्यान से सुनिए गुरुवर। जनमानस की यही पुकार तथाचार्य की जय जयकार, जनमानस की यही पुकार तथाचार्य की जय जयकार। अरे कहाँ हो रही है? वहाँ हो रही है गुरुवर, वहाँ। अरे वहाँ कहाँ? संपूर्ण विजयनगर में। कौन कर रहा है? प्रजा और स्वयं महारानी भी। आचार्य तथाचार्य की जय, आचार्य तथाचार्य की जय। ओह ये क्या? क्या? आपके नाम के सिक्के, स्वर्ण मुद्राओं में आपका नाम छपा है। और वो तो देखिए क्या स्वागत हो रहा है। किसका? अरे आपका गुरुवर, और किसका? अभिनंदन हो रहा है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। अरे पंडित रामाकृष्णा, हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं गुरुवर, आपको दिखाना चाहता हूँ। पता है महारानी ने आज मुझसे क्या कहा? महारानी ने मुझसे कहा कि पंडित रामाकृष्णा, हमारे विजयनगर राज्य में ऐसा कौन है जिसमें बल भी हो और बुद्धि भी, जिसमें सेना को संभालने का सामर्थ्य भी हो और विजयनगर की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की क्षमता भी। आपको पता है मैंने किसका नाम लिया? किसका? अरे आपका गुरुवर, और किसका? मैंने तो कह दिया कि महारानी हमारे पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण मौजूद हैं, और वो है हम सबके पूज्य राजगुरु पंडित तथाचार्य जी। उनके विशाल कंधों पर ही ये सारा भार डाला जा सकता है। किंतु 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 महारानी ने मना कर दिया। कहने लगी कि नाना, राजगुरु में बुद्धि तो है किंतु बल नहीं है, वो तो स्वयं इतने डरपोक हैं, सेना को क्या संभालेंगे, स्वयं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, विजयनगर की रक्षा क्या करेंगे। ऐसा कहा महारानी ने? गुरुवर कहने को तो बहुत कुछ कहा, किंतु ऐसे में यदि आप ये सिद्ध कर दें कि आप में बुद्धि के साथ साथ बल भी है, आप कायर नहीं अपितु सेना अध्यक्ष बनने की कुशलता भी रखते हैं, केवल शास्त्र में ही नहीं अपितु शस्त्र ज्ञान में भी पारंगत है, तो आपके साथ वही सब होगा जो मैंने अभी अभी आपको दिखलाया।
केवल शास्त्र में ही नहीं अपितु शस्त्र ज्ञान में भी पारंगत है, तो आपके साथ वही सब होगा जो मैंने अभी अभी आपको दिखलाया। अर्थात हमारी जय जयकार। हाँ गुरुवर, हाँ वैसा ही होगा। आप केवल वैसा ही करते जाइए जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, आज रात्रि सैनिकों को लेकर महल के पीछे वाले मैदान में पहुँच जाइए। पहुँच गए, अब क्या करना है? अब पूरी शक्ति लगाकर शंख बजाइए। बजा दिया। अब सैनिकों को निर्देश दीजिए, वो भी ऊंचे स्वर में, कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण कर दिया। अब स्वयं तलवार चलाने का अभिनय कीजिए। कर लिया अभिनय, अब क्या करना है? एक, अरे पंडित रामकृष्ण, ये तो बताइए, ये सब करने का लाभ क्या होगा? एक लाभ नहीं, दो दो लाभ होंगे गुरुवर। हैं? पहला लाभ तो ये कि आपका ऐसा रूप देखकर महारानी को विश्वास हो जाएगा कि आप युद्ध कला में भी पारंगत हैं और सेना को भी संभाल सकते हैं। और दूसरा लाभ? महाराजा अकबर और बीरबल भी आपका ऐसा रूप देखकर भयभीत हो जाएंगे, सोचेंगे जिस राज्य का राजगुरु इतना शूरवीर है उस राज्य की सेना कैसी होगी, और वो विजयनगर पर आक्रमण करने का विचार त्याग देंगे। तत्पश्चात विजयनगर के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कि नक्षरों में गुरुवर? स्वर्ण अक्षरों में। बस पंडित रामकृष्ण, अब आप देखते जाइए आज रात्रि हम क्या करते हैं। जनमानस की यही पुकार, तथाचार्य की जय जयकार। 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 हेमा काली, सहायता करना। आज रात्रि आने वाले भविष्य के निर्णायक रात्रि होगी। या तो विजयनगर समाप्त होगा या महाराजा अकबर से शत्रुता। जहां पना, आप फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप इतने बेफिक्र जो हैं। आपकी फिक्र की वजह तो बताइए। वजह? वजह कैसे नहीं पता आपको बीरबल? पंडित रामकृष्ण ने हमको यलगार के लिए उकसाया है। आखिर क्यों? क्या विजयनगर को मुगलिया फौज का कोई डर नहीं? इतना बेखौफ होके यहाँ की हवा कैसे रह सकती है? माफी जापना, माफी। लेकिन इस बात पर एक कहावत तो बनती है। हमारे फूफा जी एक कहावत कहा करते थे कि किसी को ना बताई अपने जेब का हाल, मालपुआ बताई अगर पास हो रोटी दाल। पंडित रामकृष्ण भी यही कर रहे हैं जापना। नहीं, कोई तो बात है बीरबल जी, वरना पंडित रामकृष्ण हमको यलगार के लिए उकसाते नहीं। इसका यह मतलब है कि विजयनगर ने अपनी कमर कस ली है, उनकी तैयारी पक्की है। महाराजा अकबर को हमारा सलाम। इस बारे भागकर जाना ना पाए। परंतु महाराज, हमने क्या किया है? क्योंकि हर बार अपनी बात अधूरी छोड़ के भाग खड़े होते हो तुम। इस बार हम जान के रहेंगे आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो, बोलो। महाराज, बात यह है कि हम आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये बात आप विजयनगर के महामात्य की हैसियत से कह रहे हैं? नहीं, ये बात हम मित्रता के अभिलाषी बनकर कह रहे हैं। महाराज, यदि आप विजयनगर पर आक्रमण करते हैं तो हम आपका साथ देंगे।
जेही ते निज कछु स्वार्थ होई, तेही पे ममता कर सब कोई। इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे ना महामात्य जी, बता देते। जिस चीज में इंसान का स्वार्थ होता है ना, उस चीज के लिए उसकी ममता अपने आप बरसने लगती है। अब ये भी बता दीजिए, आपका इसमें क्या स्वार्थ है? स्वार्थ है हमारा महाराज, आक्रमण के पश्चात जब आप विजयी होंगे तो विजयनगर की राजगद्दी आप हमें सौंप देंगे। जो अपने राज्य का नहीं हो पाया वो हमारा होकर रहेगा, ये हम कैसे मान ले? विश्वास होगा आपको बीरबल जी, विश्वास होगा, क्योंकि अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं उसे सुनने के पश्चात आप हमारी मित्रता का हाथ थाम ही लेंगे। बताइए क्या बात है? बात यह है कि हम बताइए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि बताइए क्या बात है? देखिए महाराज, हम कुछ देर पश्चात पुनः उपस्थित होते हैं और आपको सारी बात बताते हैं। बीरबल जी पकड़िए इसे। बताइए बताइए, बता कर जाइए। छोड़िए हमें बीरबल जी, बात बता कर जाइए, अनर्थ हो जाएगा, हम आते हैं। बता कर जाइए, छोड़िए हम बताए बगैर। अरे कहेंगे बीरबल, ये लोग ललकार के लिए तैयार नहीं है। जापना, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नीचे चलकर देख लेते हैं माजरा क्या है। आइए। आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, जल ही पीऊंगा, भले ही नदी का जल ना सही, नारियल वाला जल ही सही। अकेले अकेले नारियल का पानी पीने की तैयारी हो रही है, लज्जा नहीं आती? अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। ऐसा हम नहीं, हम तो अम्मा की तरफ से कह रहे हैं। चल अब हम दोनों को नारियल पानी पिला। अरे मैं पानी पिलाकर प्रसन्न कर दिया। अब माँ के आशीर्वाद से तेरी पानी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाह, स्वयं तो नारियल के जल से अपनी प्यास बुझा ली, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से प्यास बुझाऊं? ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। पुनः दूध नहीं, बापू बापू बापू, आस पड़ोस के समस्त राज्यों को यह संदेशा पहुंच गया है कि वो लोग आज रात्रि ही विजयनगर पहुंच जाएं। किंतु एक बात बताओ, तुमने ये कहकर कि महारानी का जन्मदिन है सबको विजयनगर आने का न्योता क्यों भिजवाया? क्योंकि कल तो महारानी का जन्मदिन है ही नहीं। है भास्कर, कल का सूर्य केवल महारानी के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विजयनगर के लिए एक नया जन्म लेकर उदय होगा। पंडित रामाकृष्ण ने युक्ति तो बहुत अच्छी लगाई और भरे दरबार में महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष हीरों का सत्य भी नहीं आने दिया। किंतु अब क्या चल रहा है पंडित रामाकृष्ण के मस्तिष्क में? महाराज अकबर को युद्ध के लिए उकसाना, गुरुवर को चने के झाड़ पे चढ़ा के उनसे शंखनाद करवा दिया,
जिससे कि महाराज अकबर यही सोचें कि ये युद्ध का शंखनाद है। महारानी के झूठे जन्मदिन का न्योता दूसरे राज्य को भेज दिया। हमें तो समझ नहीं आ रही पंडित रामाकृष्ण की युक्ति, परंतु देखना अत्यंत रोचक होगा कि आखिर क्या करने वाले हैं हमारे मित्र और कैसे हीरों का सत्य साबित करने वाले हैं बीरबल।